देश में पहली बार मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में इसकी 3 किताबों का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, ये क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके सीएम शिवराज सिंह ने पीएम मोदी की इच्छा पूरी की है। भोपाल में किताबों के विमोचन के बाद शाह ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई में अब इंग्लिश आड़े हाथों नहीं आएगी, क्योंकि अब प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 पुस्तकों का विमोचन कर इसकी शुरुआत कर दी है। विमोचन कार्यक्रम के लिए भोपाल पहुंचे अमित शाह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, शिवराज ने पीएम मोदी के सपने को पूरा किया है। उन्होंने कहा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, अब हमें अपनी भाषा में शिक्षा मिलेगी। मध्य प्रदेश का चुनाव जब हो रहा था, घोषणा पत्र के भीतर ये जिक्र था। शिवराज ने पीएम मोदी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले जमीन पर उतारा है। उन्होंने ये भी कहा, अनुसंधान अपनी भाषा में हो तो भारत के युवा भी किसी से कम नहीं है, वो विश्व में भारत का डंका बजाकर आएंगे। कुछ दिनों बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी। वहीं इस मौके पर उन्होंने मोदी शासन काल में शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास को भी गिनाया। आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया। मोदी जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अंग्रेज हमें अंग्रेजी का गुलाम बना गए। आज का दिन ऐतिहासिक है। गरीब परिवारों के बच्चे जो हिंदी माध्यम में पढ़कर मेडिकल कॉलेज तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी के मकर जाल में फंस जाते हैं। शिवराज ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने भारतीय मानसिकता को बदल दिया है। उन्होंने कहा, RX की जगह अब श्रीहरि लिखकर पर्चा बनाए, क्रोसिन को हिंदी में लिखें। वहीं इसको लेकर छात्रों में भी उत्साह देखा गया। आज पूरा मध्य प्रदेश आह्लादित है, प्रसन्न है और मेरा तो रोम रोम खिला हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। उनने पाप किया था, जिनके जिम्मेदारी थी आजादी के बाद सरकार चलाने की, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी का गुलाम बना के इनने भारत को रखा। मानसिकता ऐसी बना दी कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उनका तन अंग्रेजी था, उनका मन अंग्रेजी था, उनका जीवन अंग्रेजी था और उनने वातावरण ऐसा बना दिया कि अंग्रेजी बोलोगे तो हिम्मत इज्जत बढ़ जाएगी। और जो टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, हमारे बच्चे भी करने लगे हेलो हाय हाउ डू यू डू। और हालत यह हो गई कि चारों तरफ मातृभाषा नहीं अंग्रेजी का साम्राज्य होने लगा। अब आप देखिए, हमारे महापुरुषों को भी हमने अपमानित किया। तात्या टोपे नगर क्या कहने लगे उसको, टीटी नगर। अरे धन्य हो रे अंग्रेजी दाओ, तुमने तात्या टोपे जी को भी, क्रांतिकारी अमर क्रांतिकारी को भी टीटी कर दिया। बोलो ये अपराध है कि नहीं। MBM कॉलेज मोतीलाल विज्ञान MBM हो गया, महारानी लक्ष्मीबाई MLB हो गया और गांधी मेडिकल कॉलेज
GMC हो गया, इंग्लिश मीडियम की बाढ़ आ गई, लेकिन विदेशी भाषा फिर भी हमारा उद्धार नहीं कर पाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।